हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और देखिए, मैं अब बरसीन काटने जा रही हूँ। देख सकते हैं, हंसिया ले रखा है और घास लाने के लिए टुकड़ा ले रखा है कपड़े का। और दोस्तों देखिए, हमारे खेत में मोर नाच रही है। चलिए आपको दिखाती हूँ, चुपके से चलती हूँ, नहीं तो वो चली जाएगी। आपको यहाँ से दिखाऊंगी, अभी खेत में घुस जाऊंगी तो वो भाग जाएगी। और चलिए बने रहिएगा ऐसे वीडियो में हमारे। देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये नाच रही थी मोर, लेकिन अब ये भाग गई है, मुझे देख चुकी है ये। देख सकते हैं आप लोग कैसे भाग रही है। देखिए दोस्तों, काफ़ी देर से इस खेत में नाच रही है। मैं झाड़ू उड़ू लगा रही थी और भैंस को अपनी खिला रही थी, कोयर वेयर चला रही थी, तब से ये नाच ही रही है। और किस जगह पे नाच रही थी आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, वो इस जगह पे वो नाच रही थी मोर। और देख सकते हैं वो, देखिए कैसे देख रही है पीछे मुड़ मुड़ के कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, मोर कहाँ छुपी पड़ी है। देखो दोस्तों, वो तो भाग गई। और देखिए, हमारा ऊड़ अभी तक खड़ा है, देख सकते हैं। इसमें कल या परसों हमारा शिवम ये देखिए जेब में से कुछ निकाल रख रहा था, कह रहा था पैसा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ऊड़ खड़ा हुआ है। और दोस्तों चलिए, अब बरसीन काटना शुरू करते हैं हम। अरे रामू जी, क्या कर रही है। चलिए दोस्तों, अब बरसीन काटना शुरू करते हैं। मोर को देखते हैं कहाँ चली गई। इसी मेड़ पे थी, वो कहीं चली गई है, हमको देखकर वो भाग गई है। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सरसों धीरे धीरे तैयार होने वाला है। और दोस्तों ये हमारा नहीं है सरसों, हमारा सरसों ये है पीपल के नीचे। बहुत पत्ते गिर चुके हैं इनके ऊपर। ये देखो दोस्तों, कितना पीपल का पत्ता इसमें गिरा है। और घास भी है दोस्तों इसमें, आप लोग देख सकते हैं घास भी नीचे है। लेकिन ये घास काटने को तो हम काट रहे, लेकिन दोस्तों इसमें अगर इसमें जाएंगे भी तो सारा सरसों टूट जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये सरसों में देखिए ये क्या है, सफ़ेद सफ़ेद फूल आ रहे हैं। ये है मूली, मूली ये फुला गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मूली फुला गया है, ये वक्त पे नहीं तोड़ते और ज़्यादा दिन हो जाता है तो ऐसे ही होता है, ये फुला जाता है मूली। और सिमरन देखो, हमारी सिमरन वहाँ देखिए ये मशीन पर बैठी है। जल्दी आओ, जल्दी कटाओ, आओ आओ, जल्द जल्दी काट लेते हैं, फिर घर का काम भी तो करना है। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा दें, बरसीन हमारा अब नहीं इतना बढ़ रहा है। और देखिए कितने पीपल के पत्ते गिर चुके हैं इसमें, काटते नहीं बनता है ये। देख सकते हैं कितना पीपल का पत्ता झड़ा पड़ा है यहाँ पर। और देखिए ये हमारा गेहूं है, गेहूं अभी तैयार नहीं हुआ है, कम से कम 1 महीना लगेगा इसको तैयार होने में। देख सकते हैं आप लोग, आ बच्ची। तो कहाँ से शुरू करें हम काटना दोस्तों, यहाँ से काटते हैं। इतना छोड़ दिया था हमने, मतलब जिस दिन हमारी राधा थी, एक दिन पहले हमारे साथ यहाँ पर बरसेन कटाई थी। मैंने यहाँ पर वीडियो भी शूट किया था, आप लोग देखे होंगे। यहीं पर मैं लेटी हुई थी, वीडियो बना रही थी। और देखिए लग नहीं रहा है, यहाँ पर वीडियो बनाया था मैंने और एकदम से बरसेन खड़ा हो गया। और यहीं पर हम, मेरी बहन, छोटी बहन यहाँ पर काटी थी, तब से हमने हाथ नहीं लगाया इस बरसेन में। आज आज इसे काट देंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं काटने के लिए, जल्दी जल्दी काट के घर ले चलते हैं।